पैदाइश की किताब। दूसरा बाब। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था सातवें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था सातवें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने सातवें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। बागे अदन। ये है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खल्क हुई, जिस दिन खुदावंद खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा न था और न मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदावंद खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था और न जमीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि जमीन से कोहर उठती थी और तमाम रुए जमीन को सैराब करती थी। और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला और वहां से चार नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम पैसून है, जो हवीला की सारी जमीन को जहां सोना होता है घेरे हुए है, और इस जमीन का सोना चौखा है, और वहां मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। और दूसरी नदी का नाम जैहून है, जो कूश की सारी जमीन को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है, जो असूर के मशरिक को जाती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगेबानी करे। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिंद न मिला। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते न थे। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.